प्रजाननाय नमः। ॐ लंबोदराय नमः। ॐ शूर्पकर्णाय नमः। धन्यवाद। जहाँ आपका कल शाम को ऑपरेशन हुआ सफेद मोती का, तो अब सुबह आज पट्टी खोली गई। प्रभु के पास से आपने सबसे पहले दर्शन ही राजा जी के किए, ठीक है ना? आपको अच्छा लगा, ठीक है ना? तो ऐसे जब कभी खोई हुई रोशनी वापस मालिक करता है तो हमें खुशी होती है। तो ऐसे ही हमारे देश भर, सारे भारतवर्ष में 30 लाख से ज़्यादा लोग हैं जिनकी रोशनी आंखों में चाहे चोट लग गई है, चाहे इन्फेक्शन हो गई है, या किसी कारण आंखों में अंधापन आ गया, पुतली खराब हो गई है, उसके कारण वो देख नहीं पा रहे। वो तभी देख पाएंगे यदि कोई आंखें दान करेगा। उनको भी ऐसे ही रोशनी मिलेगी जब वो भी ऐसे राजा के दरबार जा अपने अपने इष्ट को देखेंगे तो उनको अच्छा लगेगा। हमने उनके लिए कार्य करना है इत्तेफाक से। ये जो समय है 25 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक, जो हमारे समस्त भारतवर्ष में नेशनल आई डोनेशन अवेयरनेस फोर्टनाइट पंद्रहवाड़ा मनाया जा रहा है, उसी के दिन मैं आपका ऑपरेशन भी हुआ है। तो मैं, जैसे आप धर्म की सेवा करते हैं, आप प्रचारक हैं, आप बड़े अपनी मधुर वाणी से अपनी संगत को मंत्रमुग्ध कर देते हैं, मालिक से मिला देते हैं, तो मैं चाहूँगा जब कभी भी समय मिले आप हमारे समाज के लिए, हमारे प्राणियों के लिए, हम उनको प्रेरित करना। कभी भी समय होगा अपने जो धर्म जो अपने सेवा करेंगे अपनी वाणी के साथ, अपने मधुर वाणी के साथ, अपने आंख दान का प्रचार जो है करेंगे, ताकि उस समय जो प्राणी बैठे होते हैं आपकी संगत में, वो मालिक से जुड़े होते हैं, उनको पता होता है सच क्या है, झूठ क्या है। जीवन जो हम जीते हैं ये झूठ है, मौत सच है, सबने जाना है, लेकिन हमारी आंखें मौत के बाद भी जिंदी जीवित होती हैं। हम जीवित आंखों को अग्नि के सुपुर्द कर देते हैं। हमारे हिंदू धर्म को एक बार कह देते हैं कि अंधविश्वासी हैं हिंदू धर्म के लोग, लेकिन नहीं, मैं हमेशा कहता हूँ, जैसे दिविजी जी महाराज जी ने अपने हड्डियों का उन्होंने दान किया था तो हमारी रक्षा हुई हमारे समाज की। ऐसे बड़ी बड़ी प्रेरणाएं हैं हमारे इसलिए, ठीक है? तो आप भी प्रेरणा करें तो हमें अच्छा लगेगा। दो शब्द आप धर्म के मुताबिक आंखें दान करनी चाहिए, थोड़ा सा बता भी दीजिए। जरूर आपके लिए ये सेवा हमारी होगी और करेंगे। कल भी मेरा है राजगुरु नगर में प्रोग्राम, तो मैं, आपने जैसे मना किया, मैं जाऊंगी और वैसे उनको थोड़ा सा 2 मिनट के लिए बोल दूंगी, ठीक है ना? कल राजगुरु नगर में मेरा प्रोग्राम है, तो आपने तो मना किया कि अभी कहीं नहीं निकलना। ये आपकी भावना है, लेकिन आपके माध्यम से, चाहे भले ही कल की बात कर रहे हैं, लेकिन आज ही हम, मैंने ही आपको तंग किया है, क्योंकि पंद्रहवाड़ा है, आपने आज ही बोल दिया है। आपकी आज की ही मधुर वाणी समस्त भारत में जाएगी कि आंटी का ऑपरेशन बढ़िया और आंटी ने आंखों का दान का प्रचार भी किया है। थैंक यू।